माई डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, हेलो, हाउ आर यू? एंड दिस इज फॉर योर टीचर फ्रॉम माई टीचर चैनल नॉलेज फॉर एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, टुडे आई ब्रॉट फॉर यू वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। दिस स्टोरी इज फ्रॉम इस्लामिक स्टोरीज। ये जो स्टोरीज का सिलसिला हमने शुरू किया है, आई एम 100% श्योर कि आप लोगों को इन स्टोरीज से बहुत अच्छे अच्छे लेसन मिल रहे होंगे और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे और बहुत कुछ समझ भी रहे होंगे। क्योंकि जो मेरी स्टोरीज़ हैं उनका पर्पस सिर्फ ये ही नहीं है कि आप स्टोरी पढ़ें और बस पढ़ के सो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। सुने और सो जाएं, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ बहुत से लेसन हैं जो मैं अपने इन वीडियोस में आपको देना चाहती हूँ और दे भी रही हूँ। और ये सिलसिला हमारा इंशाल्लाह बहुत सारी वीडियोस तक है और रहेगा आपका और मेरा साथ। और आज की जो स्टोरी है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये स्टोरी किसके बारे में? इट्स अबाउट प्रॉफिट सुलेमान एंड द कम्युनिकेटिंग एंड्स, चींटियों के और हज़रत प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम। अब यू नो वेरी वेल के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बता दूँ आपको कि वो जानवरों की बोलियाँ समझते थे, जानवरों की, जिनों की। और अल्लाह ताला ने उनको इतनी एबिलिटी दी थी, इतनी पावर दी थी कि वो और बहुत ईजीली उन सब की बोलियाँ समझ लेते थे जिनकी हम समझ नहीं पाते ना। हम सिर्फ इंसानों की बोलियाँ समझ पाते हैं, वो सारे जानवर जितने भी मखलूक थे उन सब की कम्युनिकेशन जो वो करते थे आपस में, जानवर या कीड़े मकोड़े, वो सुन लेते थे और समझ लेते थे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रोफेट सुलेमान अलैहिस्सलाम हैड द यूनिक एबिलिटी टू कम्युनिकेट। बहुत ही उनको एक अल्लाह ताला ने एक ऐसी मुनफरिद क्वालिटी दी थी और खसूसियत, और उनकी ऐसी काबिलियत थी कि वो एनिमल से कम्युनिकेट भी कर लेते थे और उनकी बातों को समझ लेते थे विद एनिमल्स एंड ऑल्सो हेयर दैम कम्युनिकेटिंग। और वो समझ भी लेते थे और सुन भी लेते थे और उनको आंसर भी देते थे, यानी कम्युनिकेट करते थे, उनसे बातचीत करते थे। वंस व्हेन ही वॉज मार्चिंग विद हिज आर्मी, एक दफ़ा वो अपनी आर्मी के साथ, अपनी फ़ौज के साथ निकल रहे थे। होता है ना, एक जाते हैं अपनी आर्मी के साथ, एक मार्च करने जाते हैं, एक ट्रैवलिंग पे जाते हैं, सफ़र पे जाते हैं, तो अपनी पूरी आर्मी को लेकर जा रहे होते हैं। ओके, अ कॉलोनी ऑफ एंट्स, फिर क्या होता है, एक कॉलोनी होती है, एक जगह होती है जहाँ पर बहुत सारी एंट्स जो हैं वो रहती थी। हैपन टू बी इन हिज वे, उनके रास्ते में बहुत सारी चूटियाँ आ गईं। वन ऑफ द एंट्स क्विकली वार्न्ड द रेस्ट, अब क्या किया उनमें से एक चूटी ने जो है वो बाकी सबको इतला दे दी, मतला कर दिया, बता दिया सबको कि तुम क्या करो, ओ एंट्स एंटर योर ड्वेलिंग, आप जो हैं वो क्या करो कि अपने अपने जो उनके बिल थे उसके अंदर घुस जाओ, छुप जाओ, क्योंकि क्या हो रहा है, दैट यू नॉट बी क्रश्ड बाय प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऐसा ना हो कि तुम जो है वो प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो आर्मी गुजर रही है, यहाँ से फ़ौज गुजर रही है, उसके क्रश्ड, उसके उनके कदमों के नीचे दबकर मर जाओ, ख़त्म हो जाओ और कुचल दी जाओ। फिर क्या, एंड हिज सोल्जर्स वाइल दे परसीव नॉट, ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम इनकी आर्मी के नीचे पैरों तले कुचल दी जाओ। प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम स्माइल्ड, प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम ये बात सुनकर, क्योंकि उनको तो एबिलिटी दी थी ना अल्लाह ताला ने, पावर दी थी कि वो एनिमल्स की जो है वो बोलियाँ सुन लेते थे, समझ लेते थे, और उसको मुस्कुराए उन बात सुन के ना, चूटियों की जो कम्युनिकेशन हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी उसकी, उसको सुन के वो मुस्कुराते हैं, अम्यूज्ड एट द एंट्स स्पीच, और बहुत ही हैरान हुए और मतलब खुश भी हुए जो कि अरे ये चूटी क्या कह रही है अपने अपने सब जान पहचान की चूटियों से। ही देन मेड अ दुआ टू अल्लाह, फिर अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ करी कि माई ऑलमाइटी एनेबल मी टू बी ग्रेटफुल फॉर योर फेवर विच यू हैव बेस्टूड अपॉन मी, यानी ए अल्लाह, ए अल्लाह अज़ीमुशान, बड़ाई वाला, जिसने मुझे ये
क्वालिटी दी, जिसने मुझे ये खसूसियत दी, मुझे ये पार दी, मुझे ताकत दी कि मैं इनकी ज़ुबान समझ सकूँ, सब तारीफ़ उसकी हैं। वरना अल्लाह अगर ना चाहे तो किसी को भी ये खसूसियत नहीं दे सकता, और दे कर ले भी सकता है, इस पर भी अल्लाह कुदरत रखता है। लेकिन हज़रत सुलेमान सलाम की ये क्वालिटी थी, ये उनके अंदर अल्लाह ताला ने खसूसियत पैदा की थी कि वो एनिमल्स की बोली को समझ सकते थे, कि अल्लाह ताला की ही रहमत है जिस जो मुझ पर है, एंड अपॉन माई पेरेंट्स एंड टू डू राइटनेस ऑफ विच यू अप्रूव। यानी वो सही रास्ता तो मुझे दिखा, और वाकई अल्लाह ने उनको रास्ता दिखाया। कहीं ऐसा ना हो, अगर वो नहीं समझ पाते चींटियों की ज़बान को, तो वो कभी भी चींटियाँ बच के नहीं जा सकती थी, और पूरी की पूरी फ़ौज जो है वो उन चींटियों को कुचलकर आगे बढ़ जाती। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही सुना वैसे ही अपनी आर्मी को रोक दिया, और एडमिट मी बाई योर मर्सी इन टू द रैंक्स ऑफ योर राइटियस सर्वेंट्स। मैं अल्लाह ताला ने मुझे मेरा मैं अल्लाह हम अल्लाह ताला के नौकर हैं, ग़ुलाम हैं, और हम ये यकीन करते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही के रहम करम हम पर हैं, जिसकी वजह से आज ये वक्त देखने को मिला कि चूंटियाँ जो हैं वो बाहिफाजत अपने बिलों में चली गईं। कहीं ऐसा ना हो कि उनसे ये जुल्म हो जाता और वो चूंटियों को उनकी आर्मी कुचल के चली जाती, और वो अपने ड्यूलिंग्स में अपने जो उनके बिल हैं उसके अंदर नहीं जाती और वो मर जाती, ख़त्म हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत थी उन पर, और अल्लाह ने उन पर बहुत बड़ी नेमत उतारी हुई थी कि वो एनिमल्स की ज़ुबान को समझ देते थे। प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम वाज इम्प्रेस्ड बाय द वे द एंट्स कम्युनिकेटेड। अच्छा, अब बहुत इम्प्रेस हुए प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी इस कम्युनिकेशन से, कि उसने ख़ुद तो अपने आप को बचाया ही बचाया, अपने साथी दोस्तों को भी ये वार्न कर दिया कि यहाँ से अपने अंदर बिलों के अंदर चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम क्रश्ड हो जाओ, यानी कुचल दी जाओ। एंड थैंक अल्लाह फॉर ऑल हिज ब्लेसिंग, और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने ये नेमत ये रहमत हम पे नाजिल करी कि हम बच भी गए, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुन भी ली, समझ भी ली। अगर वो नहीं समझ पाते एनिमल्स की जो कम्युनिकेशन है, उनकी जो बोलियां हैं जो कम्युनिकेट करती हैं, तो फिर वो ज़ाहिर है बेचारी बेमौत मर जाती ना। अब देखें विजडम ऑफ द स्टोरी, स्टोरी में क्या आपने जो क्या आपको समझ में आया कि स्टोरी में क्या बात थी। एंड्स आर नोन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। एंड्स होते हैं ना चूटियाँ, चूटियाँ कम्युनिकेशन में बड़ी माहिर होती हैं, कम्युनिकेट करती हैं। कभी आपने समटाइम्स आपने देखा है कि वो चूटियाँ मुँह से मुँह मिला रही होती हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं, उनको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी होती है थ्रू केमिकल सिग्नल्स। उनके जो केमिकल सिग्नल्स मुँह से निकलते हैं ना, वो सिग्नल्स होते हैं, जैसे केमिकल्स वो निकाल रही होती हैं जो मुँह से, वही उनके सिग्नल्स होते हैं जिससे वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं। साउंड्स एंड टच, Isn't that amazing? क्या वाकई अमेजिंग है? बहुत ही मुतासर को उन्हें हैरान कर देने वाली बात है ना कि वो जो केमिकल निकल रहा है वो सिग्नल्स हैं उनका, वो साउंड प्रोड्यूस करता है, और एंड टच और छू के देख के और सुन के और सिग्नल्स एक दूसरे को पहुंचाती हैं और बातचीत करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं आपस में। तो ये अमेजिंग चीज़ है ना, बड़ी हैरान करने वाली। इट इज़ एन अमेजिंग ऑल्सो दैट प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम कुड हियर देम, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनकी बातों को सुन सकते थे। कि इससे बड़ी जो उनको मौजा दिया था, जो उनको इतनी अच्छी कहना चाहिए उन पर ब्लेसिंग थी, कि अल्लाह की रहमत उन पर थी कि वो सुन सकते थे। सुभान अल्लाह, ऑल ग्लोरी बी टू यू, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। ज़ाहिर है हम यही कहेंगे ना कि अल्लाह ने उनको इतनी पार दी थी कि वो बोलियों को सुन सकते थे, समझ सकते थे। द एंट्स हैड द गुड इंटेंशन टू सेव द अदर एंट्स इन विच मैनी पीपल सी एज अ गुड एग्ज़ाम्पल, और ये एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये मिसालें हैं। और चूटियाँ ना सिर्फ ये कि उन्होंने अपने आप को बचाया, बल्कि कम्युनिकेट करके दूसरों की भी जान बचाई ना। हम क्या करते हैं, सिर्फ अपनी फ़िक्र करते हैं, अपनी परवाह करते हैं, अपनी जान बचाने की फ़िक्र में लग जाते हैं, जबकि चूटियों को देखें ज़रा, एक चूटी से दूसरी चूटी को कम्युनिकेशन करके उसने बता दिया कि भाई भाग जाओ यहाँ से, बिलों के अंदर छुप जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो फोर्स है, जो आर्मी है, वो तुम्हें कुचल दे।
तो इस मैसेज के साथ सिर्फ अपना ही ख्याल ना रखें बल्कि दूसरों की भी परवाह करना चाहिए ना, हमें दूसरों की भी केयर करना चाहिए और दूसरों की भी फिक्र में फिक्र करना चाहिए। ऑब्वियसली हम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। अपनी परवाह इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए, इतने खुदगर्ज नहीं बने, ठीक है, बिल्कुल सेल्फलेस हो, बेगर्जी से काम करें। इस मैसेज के साथ जैसा कि मेरी हर स्टोरी में कोई ना कोई मैसेज होता है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेटर, और इंशाल्लाह मेरी आगे आने वाली वीडियोस और भी इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और मीनिंगफुल होगी, जिसमें कोई ना कोई मैसेज मिलेगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।